बुलंदशहर के शाना में 3 दिसंबर को जो आगजनी और बवाल और हत्या का जो पूरा मामला हुआ था, उसमें अब फिलहाल जो आर्मी में जो कारगिल में तैनात हैं जीतू फौजी, उनका अब नाम सामने आ रहा है। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे, बात करेंगे कि उस दिन जो, क्योंकि इनके घर में भी पुलिस गई थी, और ये हम इनसे ये भी जानेंगे कि उस दिन वो कहाँ थे, इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, उस दिन क्या हुआ था और आप कहाँ पे थे? वो आपके साथ थे या मतलब मौके पे थे, जहाँ का ये जो एक वीडियो इसमें वायरल हुआ है, उस वीडियो से आपने देखी वो वीडियो? हाँ जी, वीडियो देखी है जी। उस दिन हम दोनों साथ ही थे, शाने मार्केट गए थे। इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है जी। तो जिस तरह की जो बातें चल रही हैं, उसके बाद से आपकी आपके पति से बातें हुई? हाँ जी, मेरी बातें हुई हैं जी। कहाँ पे हैं वो, और अभी अभी जो अभी की जो उनकी वो है, जो बातें हुई हैं लास्ट में, वो कब आपकी बातें हुई हैं और वो क्या बता रहे हैं? वो मेरी बात सुबह हुई है, वो फौज की टीम के साथ आ रहे हैं अपनी जांच करवाने हैं जी। अगर ऐसी कोई वीडियो है तो वो हमें दिखाई जाए, हमें भी उस पुलिस वाले के परिवार से पूरी हमदर्दी है, हमें कानून पे पूरा विश्वास है, पर अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो हमें सीबीआई जांच कराई जाए। अगर ऐसी कोई वीडियो, हाल तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है उस मौके पे, वो वहाँ पे नहीं है, वो मेरे साथ। ये जो आपको चोटें आई हैं, ये जो चोटें आपको आई हैं, ये कैसे आई हैं? ये चोट पुलिस ने करी है, पुलिस ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी मारा पीटी करी है। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी और पुलिस रात को 1 बजे के करीब मेरे घर में गेट तोड़ के बढ़ी है, मेरे साथ मारपीट करी है, बहुत बदतमीजी करी है और गाली भी दी है, बहुत गंदी गंदी गाली दी है, मेरा फ़ोन उठा के ले गई है। तो अब जो है आपने मेडिकल कराया अपना? नहीं नहीं, मेडिकल करने को कोई तैयारी नहीं है, बोलता है कि पुलिस को लेके आओ। तो और आप इसमें क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं, अगर मेरे पति निर्दोष हैं तो हमें सीबीआई जांच, दोषी हैं तो जो कानून करे वो हम सजा के लिए तैयार हैं। अगर मेरे पति उस घटना पे नहीं है तो दोषी कहाँ से होंगे, हमें सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच करे अपनी। तो फिलहाल प्रियंका का कहना है कि इस मामले में उनके पति का कोई लेना देना नहीं है, और अगर उनके पति दोषी हों तो उन्हें कानून सख्त सजा दे। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।